हे फ्रेंड्स, मैं अनीश और आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं गेना फ्री फायर का एक मैच। और मैं यहाँ पे जो मैच खेलने वाला हूँ वो है क्लासिक सोलो वर्जन स्कोड। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपका भी कोई छोटा सा यूट्यूब चैनल है तो बेशक आप मेरी जितनी भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो है उनको आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो। मैं आप लोगों को कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा और आप उसको होते तो मोनिटाइज भी आप उसको कर सकते हो। और ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये भी एकदम फ्री है, मतलब गेम प्ले आप लोग अपने किसी भी कंटेंट में यूज़ कर सकते हो विदाउट क्रेडिट। और मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, बस यार चाहो तो दे दियो नहीं तो खुश रहो। और मैं आशा करता हूँ आज का ये गेम प्ले आप लोग काफ़ी एंजॉय कर पाओगे। और चलिए मैं देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों मेरा नाम अनीश आहिर और 238 और यहाँ पर है मेरे पास 5। ठीक है, अभी 5 क्या है मुझे नहीं पता, तो अभी कुछ देर में मैच ही हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और देखते हैं मैं यहाँ पे इस मैच के अंदर कितने किल कर पाता हूँ और कैसा आप लोगों को मैं परफॉर्मेंस करके दिखा पाता हूँ। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं इधर उधर दौड़ रहा हूँ इन सब प्लेयरों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट होते हुए और देखते हैं भाई कहाँ पर उतरते हैं अब की बार, प्लेन किस डायरेक्शन से जा रहा है जो हमारा एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पे जा रहा, डायरेक्शन मेरे को पता नहीं किस साइड डायरेक्शन से जा रहा है। और दोस्तों यहाँ मैं सिंपली यहाँ पे मैंने अपना मैप ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे जंप करने वाला हूँ। तो दोस्तों किस जगह पे अच्छे वेपन्स हैं, किस जगह पे ज़्यादा एनिमी है, उस चीज़ के बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं पता इस मैच मैप के अंदर। बस मेरा मूड होता है मैं वहीं पर जंप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये शायद मील का एरिया है यहाँ पर, तो हम मील पर उतर रहे हैं। और दोस्तों जब भी आप उतरो वही बात कि आप लोगों को अपना जो माउस का कर्सर है, आई मीन टू से जो आपके थंब वाला कर्सर है, उसको आपको लेफ्ट से राइट करना है, जिससे आप लोग जल्दी से नीचे उतर पाओ और जो भी प्लेयर उतर रहे हैं उनसे पहले उतर के आप लोग अच्छे से वेपन कलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे एक फोरक्लिप खड़ी हुई है दोस्तों, मुझे कुछ मिल गया है शायद, एक हेल्थ किट मिला है अभी। और यहाँ पर बैग है मेरे पास और एक एमओ का पैकेट पड़ा हुआ है, और चलिए मैं ये ले लेता हूँ। और कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा, नहीं तो नहीं लूँगा तो मेरे को वैसे कोई किल कर देगा, मार वार देगा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा दोस्तों और मैंने यहाँ पे वेपन वगैरह ले ली और शायद मेरे पास है वो UMP 9 आ चुकी है यहाँ पे। और मैं देखता हूँ ऊपर और कौन कौन है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे उतरे हैं और अभी यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली है और मुझे यहाँ पर फुटप्रिंट्स की आवाज़ वगैरह आ रही है। लेकिन अभी मेरे पे किसी ने एक बुलेट फायर कर दी, मैं कह ही रहा था कि नहीं किए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे पास मेरे पे किसी ने एक बुलेट फायर की। और देखिए देखिए दोस्तों एकदम इजीली मैंने इस बंदे को किल कर दिया, एकदम मेरे सामने खड़ा था और एक एक और दौड़ते हुए जा रहा है दोस्तों। मैं उसको नॉकआउट कर दिया और मैं पहले इसको मार लेता हूँ, नहीं तो ये उल्टा आके मेरे को मारेगा। दोस्तों मैंने उसको भी आप लोग देख सकते हो नॉकआउट यहाँ पर कर दिया। और दोस्तों एक और उससे आगे मेरे को दौड़ता हूँ यहाँ पर दिखाई दिया और मैंने यहाँ पर अपनी गन चेंज कर ली है और कहाँ पे गया पता नहीं। तो ये रहा देख सकते हो दोस्तों, तो ये लीजिए दोस्तों मैं इसको भी यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने इसको भी नॉकआउट कर दिया और दोस्तों इसके साथ ही मैंने 3 लोगों को नॉकआउट किया, जिसमें से मेरे को 2 किल मिले और एक अभी शायद नॉकआउट हो गया, वो किल नहीं हुआ है और नॉकआउट ही है। तो दोस्तों इस गेम में एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताऊं, आप लोग किसी भी प्लेयर को सिर्फ नॉकआउट करके छोड़ दे वो अपने आप किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर को पूरी तरह से किल करने जाओगे तो आप लोगों को उसके जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो किल कर देंगे। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास हो चुके 3 किल और 47 अभी अलाइव है और देखते हैं यहाँ पे मुझे और कितने किल मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कम से कम यहाँ पे 2 स्क्वाड उतरी थी, 2 स्क्वाड से तक मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे 8 बंदे तो होने ही होने चाहिए और 8 में से अभी मैंने सिर्फ 3 को ही किल किया है और बाकी किधर है। और एक ये रहा दोस्तों मुझे यहाँ पर मिल गया और मैंने इसको भी यहाँ पर ये देख सकते हो ईजिली पहले मैंने इसको नॉकआउट किया और ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने किल कर दिया। दोस्तों इसके साथ हो चुके 4 किल और मैंने 1 स्क्वाड को यहाँ पर निपटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बचती है 1 स्क्वाड, तो वो स्क्वाड किधर है मुझे उसके जो स्क्वाड के मेंबर है वो मुझे नहीं पता किस साइड है, शायद यहाँ पे है भी कि नहीं है कि लूट लेके निकल गए। और चलिए देखते हैं दोस्तों एक और आ रहा है और ये देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे नॉकआउट करने की कोशिश की और ये देखिए इसके पास अभी कुछ गन वन नहीं है, ये शायद एकदम लेट सबसे लास्ट में उतरने वाले प्लेयरों में से कोई प्लेयर होगा और मैंने इसको यहाँ पर किल कर दिया। और इसके पास क्या है, तो दोस्तों इसके पास भी UMP 9 वाली गन है और जो कि मैंने यहाँ पे ले ली है। तो दोस्तों इसी के साथ हो चुके मेरे पे यहाँ पे 5 किल और भाई अब मेरे पास यहाँ पे कोई और बंदे है नहीं है, मुझे नहीं पता अगर आएंगे तो मैं उनको भी किल कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे पास आप लोग देख सकते हो नीचे पड़ी है यहाँ पे स्कारेल और मैंने स्कारेल नहीं ली
और मैं इसी गन के साथ रहूँगा। और यहाँ पे मेरे को एक हेल्थ किट भी मिल गया, तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो हेल्थ किट मिल दो के साथ दोस्तों, अब मेरे पास हो चुके चार हेल्थ किट, और मैं हेल्थ किट यहाँ पे लगा लेता हूँ थोड़ा सा और अपनी हेल्थ को बढ़ा लेता हूँ, और आगे चल के फाइट करते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले थोड़े से यहाँ से वेपन्स वगैरह कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस गेम में आप लोग देख सकते हो अभी मेरे पास ओनली 23 बुलेट्स यहाँ पे हैं। और दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ तो ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे कुछ अभी पता भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पड़े कार 90K, तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, शायद काम आएगी ये मेरे को कहीं, और देखते हैं इससे हम एम वेम निशाने लगा के देखेंगे अगर कोई प्लेयर किल हो जाए तो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कार 90 के अंदर सिर्फ 5 गोलियाँ, और ये मेरे पास UMP9 मिल गई, और उसके अंदर एक मैंने एक्सटर्नल मजल भी लग गई। तो दोस्तों इसके साथ ही चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो आगे की तरफ तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी बंदा है नहीं, और मुझे तो यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा है, कोई है ही नहीं फाइट करने के लिए, और अभी हमें आगे की ओर चलना चाहिए। और मैं यहाँ से थोड़ी सी बुलेट ले लेता हूँ, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पे मेरे को शायद कुछ लगा कि यहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ उसको पहले, मुझे लगा, मैं आई एम श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे बंदा है ही है, अगर होगा तो मैं उसको इजीली किल कर ही दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे यहाँ पे 5 किल, तो यहाँ पे तो दोस्तों फिलहाल कुछ है नहीं, और काफ़ी सर्कल आप देख सकते हो काफ़ी दूर है सर्कल, और मेरे को काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर बीच में कोई अगर बंदा मिल जाता है तो मेरे को एक इजीली फ्री का किल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास 5 किल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और एक और दो मिल जाए तो अच्छी बात है, किल बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे तो दोस्तों मुझे कुछ भी किल विल नहीं है, और मेरे को सामने वो मशरूम टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है, तो चलिए पहले मैं वो खा लेता हूँ यहाँ से मशरूम। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे है ये वो मशरूम, और मैं कहाँ गया, ये रहा, तो मैं इसको लगा लेता हूँ, ये लीजिए दोस्तों। आप इस चीज़ को जितना यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे डबल डबल हेल्थ बार हो चुकी है, एक पीली एक वाइट, तो येलो वाली अभी थोड़ी सी बाकी है, और मुझे एक और मशरूम दिख गया, और मैं इसको भी लगा लेता हूँ, खा लेता हूँ, अब जो भी समझो। तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, उखाड़ लेता हूँ, और चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कोई भी एनिमी नहीं मिला और नहीं दिख रहा है, और मेरे पे कोई बुलेट का फायर भी नहीं कर रहा है, अगर कोई बुलेट का फायर करेगा तो भी पता चल जाएगा कि एनिमी इस साइड है, और उसके साथ हम फाइट लेंगे और उसको इजीली किल भी कर देंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और मेरे पास अभी यहाँ पे 5 किल, और यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन चलिए मैं इसको यूज़ करके देखते हैं क्या होता है इसके अंदर से। तो यहाँ पे मैं आया और मैंने यूज़ पे किया, और इसके अंदर से कुछ टंग टूंग की आवाज़ आ रही है, अब इसे क्या होता है मुझे नहीं पता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कोई प्लेयर मिल जाए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आगे की तरफ एक प्लेयर मेरे को दिखाई दे रहा है, और वो दौड़ते हुए जा रहा है, और वो किस साइड गया वो अब मुझे नहीं पता। और दोस्तों इसके साथ ही मुझे यहाँ पे एक जीप दिखाई दे रही है, तो चलिए दोस्तों इन लोगों को भी हम यहाँ पे किल कर देते हैं। और ये लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे किल कर दिए, और मेरे हो चुके 9 किल और ये 10 किल, और दोस्तों अभी भी शायद एक प्लेयर कहीं अलाइव है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और मैं उसको चलो ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और उसको जैसे मैं किल कर दूंगा, आपको पता ही है कि विनर विनर चिकन डिनर, तो इसमें वाला होने वाला है नहीं, तो इसमें जो भी वो मिलेगा वो देखते हैं हमें क्या मिलता है, और क्या मैं उस प्लेयर को मार पाता हूँ कि नहीं मार पाता। और दोस्तों सर्कल देख सकते हो काफ़ी छोटा हो गया, और दोस्तों इसके साथ ही मैं यहाँ पे देख सकते हो जीत गया, मैंने उस प्लेयर को मारा नहीं। तो दोस्तों इस गेम के अंदर मेरे पास थे 10 किल, और आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करना है तो आप बेशक अपलोड कर सकते हो, मेरी विदाउट परमिशन मैं इस वीडियो को क्रिएटिव कॉमन ही रखूँगा। थैंक यू।